क्या आपका फोन 5G सपोर्ट करता है? दोस्तों, साल 2021 में 5G नेटवर्क का रोल आउट होना था, जो किसी प्रॉब्लम्स के चलते नहीं हो पाया है। अगर आपने 5G नेटवर्क वाला मोबाइल परचेज किया है और आप भी 5G का इंतजार कर रहे थे, तो 5G नेटवर्क का इंतजार करने वाले कुछ लोगों का इंतजार खत्म होने वाला है और कुछ लोगों का अभी भी इंतजार करना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कमल मंगलाओ और आप देख रहे हैं वैलिड गाइड चैनल। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर लीजिए। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम से मिली जानकारी के अनुसार इस साल यानी 2022 में भारत के चारों प्रमुख महानगरों यानी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को मिला के 13 बड़े शहरों में 5G नेटवर्क की सर्विस चालू कर दी जाए, जिसके ट्रायल्स एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया ने ऑलरेडी करने चालू कर दिए हैं। ये 13 बड़े शहर कौन कौन से होने वाले हैं, उनके नाम मैं आगे बताने वाला हूँ। प्लीज बने रहिए, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं है, पर अगर किसी छोटे शहर में आप रहते हैं तो आपको भी कुछ और दिन 5G नेटवर्क की सर्विसेज का इंतजार करना पड़ेगा। अगर आप नहीं जानते कि 5G नेटवर्क क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि ये टेक्निक मेनली 3 बैंड्स पर काम करती है, जो हाई फ्रिक्वेंसी, मीडियम फ्रिक्वेंसी और लो फ्रिक्वेंसी है। हर बैंड पर डिफरेंट स्पीड मिलती है। जैसे अगर हाई बैंड फ्रिक्वेंसी पर स्पीड 20 GB पर सेकंड तक जा सकती है, तो वही लो बैंड फ्रिक्वेंसी की स्पीड 10 MB पर सेकंड तक जा सकती है। अगर आप अभी 4G नेटवर्क का यूज कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि 5G की स्पीड इसके 10 गुना ज्यादा हो सकती है। दोस्तों, अगर आप इन 13 शहरों में रहते हैं तो आप इसी साल 5G नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो शहर कौन कौन से हैं? तो वो शहर है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। इसके अलावा अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, गांधीनगर, गुरुग्राम, हैदराबाद, जामनगर, लखनऊ और पुणे। 5G से जुड़ी और जानकारी के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।